हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं कि सर, आरबीआई असिस्टेंट एंड आरबीआई ग्रेड बी का क्या अपडेट है, कोई अपडेट आपके पास है तो उसे शेयर कीजिए और कब तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ लाजमी भी है क्योंकि अभी आरबीआई का वेज रिवीजन भी कम्प्लीट हो चुका है जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था, तो अब नोटिफिकेशन के क्या चांसेस हैं, तो एक एक चीज़ आराम से डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन, देखिए अगर कोई अपडेट की बात करूँ तो कोई एक पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ऐसी कोई रीसेंट अपडेट भी नहीं है, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट का अगर हम लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन देखें, दैट इज़ ऑफ 2019, तो वो कुछ 23-24 दिसंबर के आसपास पब्लिश हुआ था, ठीक है। फरवरी में प्रीलिम्स था और कोविड की वजह से मेंस लेट हुआ था, अक्टूबर नवंबर में मेंस हुआ था, ठीक है। तो अब क्या चांसेस हैं, देखिए वेज रिवीजन जिसकी वजह से नोटिफिकेशन अटकी हुई थी वो सॉल्व हो चुकी है, वो रिजॉल्व हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या है, नोटिफिकेशन की चांसेस वाइड ओपन हो गई है कि नोटिफिकेशन अब आ सकता है, ठीक है। और नोटिफिकेशन अब आ सकता है तो यानी कब तक आएगा, पॉसिबली सीईटी से पहले लागू, इसको आरबीआई चाहेगा कि अपनी एक वैकेंसी इसको पूरा करें तो सीईटी से पहले करेगा। तो अब क्या चांसेस हैं, जो मुझे लगता है, ठीक है, वैसे कोई अपडेट तो है नहीं, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्टेशन है और जहाँ तक आरबीआई भी यही करेगा, वो दिसंबर में, मैं आपको बताकर चलूँ, 3rd-4th week, यानी टू बी प्रिसाइज 20-30 दिसंबर के बीच आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आरबीआई असिस्टेंट का, ठीक है। और वही फरवरी में प्रीलिम्स हो जाएगा, मार्च के एंड तक मेंस हो जाएगा, तो ये इसका सिनारियो रहने वाला है आपका इस एग्ज़ाम का, जो मुझे एक्सपेक्टेड है और जो लग रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने कहीं भी इधर उधर बिल्कुल भटकावे में मत आइए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो इसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी हाई जाती है, हर रीज़न की कट ऑफ अनरिजर्व की 95+ रहती है, 94-95+, केवल महाराष्ट्र को छोड़कर उसकी भी 90-91 होती है, जबकि उसमें सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर आपने इसका प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए आपने 70-80% टास्क कंप्लीट कर लिया, प्रीलिम्स ही इतना टफ होता है, क्योंकि 100 मार्क्स में से आपको 95+ स्कोर करना कोई आसान चीज़ नहीं है इसमें, यानी आपके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जब ही आप कुछ अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन पर लगातार इस पर फोकस रखिए, ठीक है। बाकी हम भी अपने चैनल पर, जो हमसे हो पाएगा हम उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। और अब अगर मैं बात करता हूँ आरबीआई ग्रेड बी की, आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी के बारे में हल्की सी अपडेट है, और ये अपडेट ये है, इसकी जो नोटिफिकेशन है ना, ये फरवरी और मार्च में एक्सपेक्टेड है, फरवरी मार्च में आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, सीईटी से पहले ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी, एक बार सीईटी से पहले ही इसका एग्ज़ाम होगा। आरबीआई ग्रेड बी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब है आरबीआई, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो इससे बड़ी जॉब ही नहीं आरबीआई ग्रेड बी से बड़ी, ठीक है। तो अच्छी खासी जॉब है, तो अच्छे से प्रिपरेशन भी करना होगा, तो प्रिपरेशन में लगे रहिए, ठीक है। फरवरी मार्च तक इसकी जो एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन आ जाएगी आराम से, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, आप बस अपनी रेगुलर प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर इसकी नोटिफिकेशन पहले अगस्त में आती थी, लेकिन अब एक दो साल से थोड़ा चेंज हुआ पैटर्न में, तो फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड है, देखिए। और अब बस देखिए, नोटिफिकेशन तो आनी है, हो सकता है एक आध महीने लेट हो जाए, कुछ दिन लेट हो जाए, हो सकता है पहले आ जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी अगर अच्छे से करेंगे, प्रिपेयर आपको पहले से अच्छा से करते हुए चलेंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे से आप उसको क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम ऐसे हैं, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कोई भी सेक्शन आप अपना वीक नहीं रख सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर बार जैसे, प्रिपरेशन पर अपना फोकस रखिए, प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, ठीक है ना। और बाकी यही है बस, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर कर पाऊँगा। तो चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।